गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेल शीट में फिल्टर कैसे लगाया जा सकता है। जैसे आपको दिख रहा है आपके सामने एक वेब शीट, जिससे हम स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट जो भी कह सकते हैं, वो ओपन है और इसमें बहुत सारे कॉलम है और बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए इसमें मुझे किसी पर्सन ने स्पेशली पूछा है कि मैम हरियाणा में ओनली अम्बाला में या ओनली पानीपत में ओनली करनाल में डाटा कितना है, तो हम उन्हें कैसे बताएंगे? उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है हमारी एक्सेल शीट में, फिल्टर। तो फिल्टर हम कैसे यूज़ करते हैं? किसी एक कॉलम को फिल्टर यूज़ करने के लिए हम करते हैं। एक जैसे कॉलम के ऊपर ए बी सी हमारे लिखे होते हैं ना, हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो कॉलम हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाता है। तो हमारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है लास्ट सेकेंड आइकन पर, टॉप लास्ट सेकेंड आइकन पर जाना है और फिल्टर पर क्लिक करना है। हमारा यहाँ पे ऐसे राइट साइड पे एक डॉट थ्री कॉर्नर वाला मेन्यू आ जाता है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा फ़िल्टर लग जाता है। यहाँ से हम छांट सकते हैं, जैसे मुझे सारे देखने हैं या मुझे वो देखने हैं जिनके नाम के पीछे कॉर है, तो सिर्फ वो आ जाएंगे कैंडिडेट्स जिनके नाम के पीछे कॉर होगा या नाम के बीच में होगा। अगर मुझे सिर्फ सिंह देखने हैं, दोबारा मैं सिलेक्ट ऑल करूँगी, फिर से रिमूव करूँगी और सिंह कर दूँगी। अब जिनके भी नाम के साथ सिंह होगा वो सारे मेरे पास उस लाइन में शो होने लग जाएंगे। ये होता है मेन फिल्टर का यूज़। अगर हमने एक्सेल शीट में से फिल्टर को हटाना है, दोबारा से हम वही करेंगे, ए पे बी पे जो भी हमारे कॉलम का नेम है उसको सिलेक्ट करेंगे पूरा, अगेन वापस सेकेंड आइकन पे जाएंगे और दोबारा से फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे तो रिमूव हो जाता है फ़िल्टर। फिर आपके वैसे ही सीरियल वाइज नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे आपके पहले थे। अब क्या है, हमें अगर पूरे एक्सेल शीट पे फ़िल्टर लगाना है तो हम इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, हमारी पूरी एक्सेल शीट सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना है तो हमारा ये देखिए हर कॉलम के राइट साइड पे आइकन आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमें जिस कॉलम पे फिल्टर लगाना है हम उसी कॉलम पे लगा सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए मुझे हरियाणा के आगे डिस्ट्रिक्ट देखनी है, यहाँ पे काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स आ रही हैं, मुझे सिर्फ अम्बाला का चाहिए, तो मैंने अम्बाला पे क्लिक किया और ओके कर दिया। मेरे यहाँ लेफ़्ट साइड पे रेडी के नीचे मेरे पास नंबरिंग आती है कि मेरे पास अम्बाला में कितना डाटा है, 4970 डाटा है, टोटल डाटा कितना है 97436। इसके अलावा अगर मुझे इसमें से 4970 में से भी आगे देखना है कि ओनली आर्ट्स के कितने हैं, 1398 ओनली आर्ट्स के हैं। ये मेन यूज़ होता है फ़िल्टर का। ऐसे ही हम किसी भी एक्सेल शीट में फ़िल्टर निकाल के डाटा देख सकते हैं कि कितना डाटा है, कितनी क्वांटिटी है और कैसा डाटा है। ठीक है, अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी या नॉलेजेबल लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।